देखिए फ्रेंड्स, हमने और फंदे डालने हैं। और फंदे डाल के इस डिज़ाइन को बनाना है। एक फंदा हमने एज स्टिच ले लेना है, दो फंदे हमने उल्टे लेने हैं। जब हम फंदे डालेंगे तो हमने ऐसे बुनना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सिलाई, थ्रेड पीछे, तीन फंदे सीधे, थ्रेड अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे, तीन फंदे सीधे, थ्रेड अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे, तीन फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, तीन ला लो, तीन फंदे उल्टे। जब हमने तीन फंदे उल्टे, तो ये देखिए, एक फंदा एज स्टिच, दो उल्टे, तीन सीधे, दो उल्टे, तीन सीधे, दो उल्टे, तीन सीधे, दो उल्टे, एक लास्ट एज स्टिच। अब आते हैं इसकी रॉन्ग साइड पे। रॉन्ग साइड पे हमने सीधे पे सीधा एक एज स्टिच उतार कर दो सीधे, तीन फंदे उल्टे, दो सीधे, तीन फंदे उल्टे, दो सीधे, तीन फंदे उल्टे, लास्ट में दो फंदे सीधे और एक उल्टा। चाहे दो सीधे, तीनों सीधे बुनिए, ऐसे आपने बना लेना है। अब हमने डिज़ाइन स्टार्ट करना है कैसे। तो ये हमने दो सिलाइयाँ डाल ली है, दो लाइनें डल गई हैं। ये देखिए, ये उल्टी उल्टी दिख रही ना आपको, दो लाइनें हैं। तो दो लाइनें डालने के बाद आपने डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। दो दो सिलाई का ही डिज़ाइन है और ये पांच पांच फंदों में डिज़ाइन सेट हो जाता है। तो पांच फंदे हैं, पांच फंदे हैं, पांच फंदे हैं, तीन फंदे हम फिर इधर एक्स्ट्रा लेते हैं, एक एज स्टिच, चार फंदे हम एक्स्ट्रा लेते हैं, बाकी डिज़ाइन आपके पूरे प्रोजेक्ट में सेट हो जाएगा। इसके लिए ये देखिए, एज स्टिच फंदा जो है वो तो सिंपल ही उतारना है। और फ्रेंड्स, हम इसको 10 नंबर पे बना रहे हैं, थोड़ी वूल मोटी भी है, 9 नंबर पे भी इसको बना सकते हैं। एक फंदा एज स्टिच सीधा उतारना है, थ्रेड अपनी तरफ करना है, फिर क्या करना है, हमने इन दो फंदों को तो उल्टे ही बुनना है, जो कि हम हर बार उल्टे बुनेंगे। अब इन तीन फंदों में हमने डिज़ाइन डालना है, तो इसको ना थ्रेड को पीछे करना है और इन तीन फंदों को सीधे ही बुन लेना है, दो और तीन, तीन फंदे सीधे बुने। अब तीन फंदे सीधे बुनने के बाद इस फंदे को इस सिलाई से पकड़कर, ये जो तीसरा फंदा है ना, पहले वाला फर्स्ट फंदा, इसको दो के ऊपर से स्लिप करना है ऐसे। उसके बाद थ्रेड अपनी तरफ करना है, दो फंदे उल्टे बुनने हैं ऐसे, उल्टे बुनने के बाद थ्रेड पीछे करना है, फिर इन तीन फंदों को ऐसे, तीन फंदों को बुना, फिर इसको पकड़कर ऊपर से टपा देना है ऐसे, फिर थ्रेड अपनी तरफ करना है, दो फंदे उल्टे बुनने हैं, थ्रेड पीछे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद इसको ऊपर से टपाना है, टपा दिया, थ्रेड अपनी तरफ। अब लास्ट वाले दो फंदे तो बुनने हैं उल्टे, एक फंदा बुनना है सीधा ऐसे। तो ये डिज़ाइन की सिलाई हमारी हो गई है। अब जहाँ दो दो फंदे रह गए हैं, वैसे तीन तीन थे। अब जब हम रॉन्ग साइड में आएंगे तो उल्टा फंदा एज स्टिच है, दो फंदे हमारे सीधे हैं जो हर बार बुने जाएंगे सीधे। अब ये तीन फंदे थे, दो फंदे हैं, तो दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए, लास्ट वाला उल्टा। अब आते हैं इसकी राइट साइड में। इतना डिज़ाइन डालने के बाद दो सिलाई का और डिज़ाइन है, टोटल चार सिलाई है। सीधा फंदा तो ऐसे ही उतारिए, दो उल्टे बुनिए, हर बार जो हमने दो उल्टे ही बुनने हैं,
थ्रेड करिए पीछे। अब ये जो दो तीन के दो फंदे रह गए हैं इसमें हमने जाली डालनी है, तो हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, फिर इसको सीधा बुनेंगे, तो बीच में जाली डल जाएगी, तो तीन फंदे बन जाएंगे। फिर हमने दो फंदे उल्टे बुनने हैं, थ्रेड पीछे, एक फंदा सीधा, बीच में जाली, एक फंदा सीधा, दो उल्टे, थ्रेड पीछे, एक फंदा सीधा, जाली, सीधा, दो उल्टे और लास्ट वाला सीधा। ऐसे हमने, ये देखिए फ्रेंड हमारा ये डिज़ाइन ऐसे बन गया है, तो थर्ड सिलाई भी डिज़ाइन की बन गई है। अब हमने रॉन्ग साइड बुननी है, ये तीन के तीन फंदे फिर हो गए हैं। अब रॉन्ग साइड में हमने एक उल्टा फंदा एज स्टिच उतार का थ्रेड पीछे करना है। अब आपको समझ आ गई होगी, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा बनाना है। एक दो फंदे हमारे आएंगे सीधे, थ्रेड अपनी तरफ, अब तीन फंदे उल्टे आएंगे, एक दो, ये जाली वाला है, तीन, बीच में जाली आएगी, थ्रेड पीछे, दो फंदे सीधे, थ्रेड अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे, दो फंदे सीधे, थ्रेड अपनी तरफ, दो, तीन फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे, दो फंदे सीधे और लास्ट वाला उल्टा। तो जब हम रॉन्ग साइड में होंगे राजे, तो आपने क्या करना है, एक बार तो दो उल्टे आएंगे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, एक बार तीन उल्टे, दो सीधे, तीन उल्टे, दो सीधे, ऐसे आएंगे। ये आपने ध्यान रखना है, जब जाली डालेंगे तो तीन उल्टे आएंगे, जब सिंपल जहां से हम पलटाते हैं फंदों को ऊपर से टपाते हैं तो दो आएंगे। अब देखिए हमारा डिजाइन ना रेडी हो गया है, रेडी हो गया। अब हमने फिर वही फर्स्ट सिलाई बनानी है, तो फर्स्ट सिलाई कैसे बनानी है वो ध्यान देना है आपने। जही आकर मेरे व्यूअर्स कंफ्यूज होते हैं कि भी अब क्या करें, तीन तीन आ गए हैं फंदे जाली के बाद, अब क्या करें। अब आपने देखिए कैसे फिर बनाना है, आपने वही फर्स्ट सिलाई स्टार्ट करनी है। एक फंदा एज स्टिच उतारेंगे, थ्रेड अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे बुनेंगे, थ्रेड पीछे करेंगे, है ना। और अब जो तीन फंदे है ना, जाली डाल के तीन फंदे बन गए, अब इन तीन फंदों को सिंपल पहले बुन लेंगे। ये ध्यान रखना आपने, बुनने हैं, एक डिजाइन इसमें और भी है वो बुनते नहीं है, पहले ही उतार लेते हैं। नहीं, हमने पहले नहीं उतारने, स्लिप नहीं करना, हमने पहले तीन फंदे बुन लेने हैं। बुनने के बाद इस फंदे को ऊपर से टपाना है, इसकी ग्रेस कुछ अलग आती है डिजाइन की, बहुत सुंदर बनता है। फिर थ्रेड अपनी तरफ करना है, दो उल्टे बुनने हैं, जो बीच में हमने दो उल्टे रखे हैं वो दो उल्टे ही रहेंगे। उसके बाद फिर हमने तीन फंदे सीधे बुनने हैं, ऐसे बुन लिए, फिर इस फंदे को लेकर ऊपर से पलटाना है, ऊपर से टपा दिया, दो फंदे रह गए, थ्रेड अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे, तीन फंदे सीधे। जब तीन फंदे सीधे बुनेंगे तो इसको ऊपर से टपाना है, फिर दो फंदे उल्टे, एक लास्ट वाला फंदा सीधा। आप सोचेंगे सीधा क्यों बना रहे हैं, इसकी चेन के लिए। इधर भी देखिए कितनी प्यारी, स्टार्टिंग में एक फंदा उतारते हैं तो कितनी प्यारी चेन आती है साइड में। अब आते हैं इसकी भी रॉन्ग साइड में, तो इसको उल्टा ही स्लिप किया, जैसी डायरेक्शन में होता वैसा स्लिप करना है। फिर दो फंदे सीधे आएंगे, दो फंदे अब उल्टे हो जाएंगे, एक बार दो उल्टे, एक बार तीन उल्टे, ऐसे आएंगे। तो दो सीधे, दो उल्टे बुन के हम इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे। दो सीधे, एक लास्ट वाला उल्टा बनाना है,
तभी ये चेन बन के सुंदर सी साथ में आएगी। अब फिर हमने उसी डिजाइन को स्टार्ट करना है, बीच में जाली डालनी है, सीधे सीधे फंदे हैं तीन बनाने हैं, ऐसे ही करते जाना है। दो सिलाई में डिजाइन बनाना है, दो सिलाई में टपाना है, दो उल्टे थ्रेड पीछे, एक सीधा, बीच में जाली, थ्रेड अपनी तरफ कीजिए और सीधा बुनिए, जाली डलेगी ये सुंदर सी। फिर दो उल्टे थ्रेड पीछे, एक सीधा जाली, फिर दूसरा भी सीधा, फिर दो उल्टे सीधा बुना, जाली डाली, सीधा बुना, थ्रेड अपनी तरफ, दो उल्टे एक सीधा। बस ऐसे डिजाइन को बनाते जाना है और रॉन्ग साइड में उल्टे पे उल्टे, सीधे पे सीधे, बड़ा सुंदर और प्यारा डिजाइन बनता है। इसको आप किसी भी केबल पर, किसी भी स्वेटर के हाफ में बनाइए, इसका बॉर्डर बनाइए, जो आपका दिल करे वहां इस डिजाइन को। जब आपको कुछ नहीं सूझता कि हम कैसा डिजाइन डालें, इस पे क्या बनाएं, तो आप ये डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं। डिजाइन बहुत सुंदर है, जब बनता है तो बहुत सुंदर लगता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आपने ये डिजाइन बनाया है तो आपको कैसा लगा है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए डिजाइन के साथ, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। बाय बाय।